नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह और अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वीडियो देखते समय अगर धुंधली नज़र आ रही हो तो यूट्यूब के सेटिंग में जाके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, क्योंकि यूट्यूब की अपनी सेटिंग होती है। अगर इंटरनेट की स्पीड आपकी स्लो है तो वीडियो की क्वालिटी खुद कम कर देता है। दोस्तों, ये हमारा टैली ERP9 का लेक्चर नंबर 14 है। इसके पहले मैंने 13 लेक्चर्स दिए हुए हैं। दोस्तों, जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके पहले के जो वीडियोस हैं उसको ज़रूर देखें, ताकि ये अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे ओपनिंग स्टॉक, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। ये आज का टॉपिक है दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है एंड एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। दोस्तों, ये सिलेबस है हमारा और आज का टॉपिक है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। तो आइए एक बार हम लोग असाइनमेंट चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी के लिए असाइनमेंट कौन सा लेंगे। दोस्तों, ये हमारा असाइनमेंट नंबर 9 है और इसमें कैपिटल अकाउंट है, बैंक डिपॉजिट है, बैंक विड्रॉल है, सेल्स और परचेज। तो दोस्तों, परचेज हमें इसमें करना नहीं है क्योंकि हम एक्चुअल बिल क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारे पास टी शर्ट, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 1000 पीस, 400 रुपये के रेट से ओपनिंग बैलेंस। और देन हम सेल कर रहे हैं, 3 पीस सेल किया एक्चुअल, 2 पीस बिल्ड और 600 रुपीज पर पीस के रेट से। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ कि एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का यूज़ हम लोग क्यों और कब करते हैं। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मॉल्स वगैरह में या जो बड़े बड़े शॉप्स वगैरह हैं, वहाँ पे सेल लगती है, बाई टू गेट वन फ्री या बाई वन गेट वन फ्री। तो दोस्तों, ये सेल कंपनी तब लगाती है जब कंपनी में या स्टोर में कोई भी सामान लंबे समय से, कोई भी जो आइटम है, स्टॉक है, वो लंबे समय से रखा हुआ चला आ रहा होता है। तो दोस्तों, जब वो लंबे समय से रखा हुआ चला आ रहा होता है तो कंपनी सोचती है कि इससे प्रॉफिट ना लिया जाए और इसको रेट टू रेट किसी तरह से मार्केट में कस्टमर्स को दे दिया जाए। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि कंपनी की कॉस्ट निकल जाती है और कस्टमर को सस्ते रेट में सामान अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों, वही होता है हमारा एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। तो जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसने सेल लगाई, जिसके पास ये टी शर्ट का जो स्टॉक है ये काफ़ी पहले से बचा हुआ आ रहा है, 1-1.5 साल से, और इसने इसकी सेल लगा दी। इसने कहा बाई टू गेट वन फ्री, यानी कि 2 खरीदिए और 3 ले जाइए। तो दोस्तों, एक्चुअल में क्वांटिटी जो कंपनी की बिकी वो 3 पीस बिकी, तो ये हमारा एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगा। और बिल्ड क्वांटिटी यानी कि कंपनी ने जो बिल लिया, जो पेमेंट लिया, वो सिर्फ 2 पीस का पेमेंट लिया। तो दोस्तों, इसमें एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। तो जब कभी भी हम लोग सेल लगाते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टी शर्ट हमारे पास 1000 पीस बचा हुआ था 400 रुपीज के रेट से। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे 1000 पीस हमारे पास 400 के रेट से बचा हुआ है, तो 3 पीस का 1200 रुपये हुआ। हम 2 पीस का ही बिल करेंगे और उसके बदले में 3 पीस देंगे कस्टमर को, तो हमें ये ध्यान रखना है कि 2 पीस में ही हमारी कॉस्ट प्राइस निकल जानी चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे जो प्राइस रेट रखा हुआ है ये 600 पर पीस रखा हुआ है, यानी कि 1200 रुपये, और 3 पीस का होता भी है 1200 रुपये। तो दोस्तों, ये होता है हमारा एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। और आइए हम लोग अब टैली में देखते हैं कि इसको टैली में कैसे करेंगे। दोस्तों, ये हमारी एक नई कंपनी बनी हुई है एक्चुअल एंड बिल्ड को कंपनी के नाम से, और इसमें आइए हम लोग देखते हैं कि आगे हमें वर्किंग कैसे करनी है।
तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे और लेजर पे जाके कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेंगे जो कि इसके लिए नेसेसरी हैं। क्रिएट मल्टीपल लेजर क्रिएशन पे चले जाएंगे दोस्तों, यहाँ से एक साथ सब क्रिएट कर लेंगे। कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट होगा दोस्तों, बैंक अंडर बैंक अकाउंट होगा, परचेज अंडर परचेज अकाउंट होगा, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट होगा, दोस्तों इतने लेजर्स की हमें जरूरत है। आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर और लेजर्स हम लोग क्रिएट कर लेंगे। अब वापस आते हैं दोस्तों गेटवे ऑफ टैली पे। अब दोस्तों अगर हमें एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी पे वर्किंग करनी है तो टैली के एक फीचर को एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग F11 प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री फीचर पे जाएंगे और एंटर करेंगे। इन्वेंट्री फीचर पे जाके दोस्तों यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स, इसको हम यस कर देंगे और एंटर करके या कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। वापस गेट ऑफ टैली पे आएंगे दोस्तों। अब इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। जो स्टॉक हमारे पास है पहले से चला आ रहा है बचा हुआ गोदाम में, उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास गारमेंट्स का ग्रुप है, गारमेंट्स कैन क्वांटिटी बी एडेड, यस, और यूनिट बना लेते हैं पीस। इसके बाद दोस्तों स्टॉक आइटम होगा हमारा, स्टॉक आइटम पे जाएंगे और क्रिएट कर देंगे। हमारे पास क्या बचा हुआ है, टी शर्ट। ये दोस्तों टी शर्ट हमारे पास बचा हुआ है, अंडर गारमेंट्स हो जाएगा और यूनिट इसकी पीसेस में हो जाएगी। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का यूज हम लोग तब करेंगे जब हमारे पास कोई भी स्टॉक पिछले लॉन्ग समय से हमारे स्टॉक में हमारे गोदाम में बचा हुआ चला आ रहा है। तो ये टी शर्ट हमारे पास पिछले लॉन्ग टाइम से बचा हुआ आ रहा है, तो हम इसकी एंट्री ओपनिंग बैलेंस में करेंगे। ओपनिंग बैलेंस में क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास पहले से बची हुई आ रही है, यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से बचा हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस में 1000 पीस था हमारे पास क्वांटिटी और 400 रुपये के रेट से ये हमारे पास बचा हुआ था। एंटर करेंगे दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब बाहर आइए, यहाँ से स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये स्टॉक समरी ऑल्ट F1, ये देखिए टी शर्ट हमारे पास 1000 पीस बचा हुआ है। अब दोस्तों इसकी सेल लगा देंगे हम, जो मैंने बताया था buy 2 get 1 free, यानी कि 3 एक्चुअल में जाएगा और 1-2 का हम बिल करेंगे। दोस्तों अब सेल्स वाउचर में जाएंगे, वाउचर एंट्री, यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर ले लिया और F8 प्रेस करेंगे सेल करने के लिए। यहाँ पे रिफरेंस हमने डाल दिया 01, कैश से सेल करेंगे। और दोस्तों ये जब हम ऑर्डर के जरिए किसी कस्टमर को सेल करते हैं उसके लिए सारी डिटेल्स होती हैं, इसको आप कंट्रोल A प्रेस करके स्किप कर जाएंगे। हाँ दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में हमने ले लिया टी शर्ट और एक्चुअल में 3 पीस दोस्तों बिक रहा है हमारा और बिल हमें करना है 2 का और रेट हम लगाएंगे 600 रुपीज पर पीस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल क्वांटिटी 3 है, यानी कि हमारे स्टॉक से जो सामान जा रहा है वो 3 पीस जा रहा है, लेकिन हमने बिल कितने पे की, 2 पे बिल की, क्योंकि हमने सेल लगा रखी है कि buy 2 get 1 free। तो 600 रुपीज के रेट से दोस्तों 1200 रुपए हो गया। हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 400 रुपए पर पीस, तो 3 पीस का हमारा हो गया 1200 रुपए।
तो दोस्तों हमें नुकसान नहीं हो रहा है, बिल्कुल रेट टू रेट हमारा सामान जा रहा है। अब एंटर करके इसको हम सेव कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों जितने भी कस्टमर्स हैं सारे कस्टमर्स को हम अलग अलग इसी ऑफर प्राइस में सामान दे देंगे और हमारा सामान, हमारा जो भी कॉस्ट लगा हुआ है उस प्रोडक्ट पे, वो कॉस्ट हमारा निकल आएगा और हमें नुकसान नहीं होगा। अब दोस्तों बाहर आइए, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटेल्स चेक करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने सामान बेचा 1200 रुपये का, ये डिटेल्स शो कर रहा है। अब दोस्तों वापस हम आएंगे स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में जाइए, ये स्टॉक समरी है हमारा, एंटर करेंगे। यहाँ पे टी शर्ट हमारे पास 997 पीस बचा हुआ है 400 के रेट से, बाकी हमारा सामान बिक गया। तो ये रहा दोस्तों आपका एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और नए टॉपिक पे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे वीडियो को सर्च करने के लिए youtube.com में लिखें टैली बाय विष्णु सर, या अपनी कंप्यूटर पाठशाला जो कि चैनल का नाम है, ये डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो पे करके सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों ये हमारी मेल आईडी दी गई है, कोई भी क्वेरी है आपकी इस पे मुझे मेल कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।